व्हाट्सएप भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए एक नए सेटअप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों ने इसके पहले 68,000 के सीपीयू पर बहुत सारा प्यार दिया, तो इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिए और उसी को ध्यान में रखते हुए एक गेमिंग सीपीयू और लेकर आए हैं। प्राइजिंग की बात की जाए तो प्राइजिंग में जिसका भी बजट 1,05,000 या 10,000 का होगा तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। आप चाहो तो उसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस करवा सकते हो। चलिए इसमें देखते हैं किस किस कंपोनेंट का हमने यूज किया है। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आ रहा है सर्कल का 750 वॉट आरजीबी वाला एसएमपीएस। स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज में हम 4 TB यूज कर रहे हैं जो 2 साल वारंटी के साथ में आता है। रैम की बात की जाए तो रैम में हम 16 GB का 2 TB यूज कर रहे हैं 3200 MHz का। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में हम 512 NVMe यूज कर रहे हैं। इसमें हम मदरबोर्ड H610 यूज कर रहे हैं जो 3 साल वारंटी के साथ में आता है। कीबोर्ड माउस की बात की जाए तो ड्रैगन फ्लाई RGB वाला यूज कर रहे हैं जो गेमिंग में आता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी होती है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। अब हमारे सीपीयू की आन बान और शान, i7 12th generation के सीरीज में हम यूज करने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और सीपीयू को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम ग्राफिक कार्ड 3060 यूज कर रहे हैं जो 12 GB के साथ में आता है। अब सीपीयू के दिमाग को ठंडा रखने के लिए हम कूलर मास्टर का ML240L यूज कर रहे हैं जो RGB के साथ में आता है। सीपीयू के आंख की बात की जाए तो हम सैमसंग का 24 इंच यूज कर रहे हैं जो IPS पैनल में आता है, 3 साल वारंटी आती है। कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में हम फ्यूरियस 240 यूज कर रहे हैं। चलिए अब इसकी लुक देखते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कैबिनेट के लुक की बात की जाए तो कैबिनेट का लुक आप देख सकते हो, इसमें आपको टफन ग्लास आगे मिल जाता है। अंदर के स्पेस की बात की जाए तो अंदर का स्पेस आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें स्पेस दिया हुआ है। चलिए अब इसमें बिल्ड करते हैं। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है और अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट अपने को दिए हुए हैं। पहले तो इसमें आपको 2 फैन मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम 2 फैन वाला यूज कर रहे हैं तो 2 फैन आपको मिल रहा है। ये कंपनी के कुछ लव लेटर हैं। इसमें कुछ स्क्रू और नट्स मिल जाते हैं जो आपको सेट करना है, प्लस इस तरीके से आपको गाड़ी का रेडिएटर मिलता है। पर ये गाड़ी का रेडिएटर ना होकर ये सीपीयू का रेडिएटर है। थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस आप देख सकते हो किस तरीके से, और इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखता है। कूलर मास्टर का कुछ पिटारा आया, चलिए इस पिटारे में देखते हैं क्या क्या चीज मिली हुई है। इस तरीके का आपको केबल मिलता है, इसमें आपको कन्वर्टर भी मिल जाता है जिस किसी के मदरबोर्ड में RGB को सेट करने के लिए इस तरीके का कन्वर्टर ना हो तो वो उसके लिए दिया हुआ है। और ये कन्वर्टर आपको ML240 LV2 में मिलेगा कन्वर्टर आपको, बाकी और किसी में नहीं मिलेगा। इसमें आपको AMD और इंटेल के ऊपर सेट करने के लिए कुछ ऐसे स्क्रू मिल जाते हैं, या इस तरीके का कुछ पैनल भी मिल जाता है। ये आपको हीट सिंक मिल जाती है प्रोसेसर के ऊपर लगाने के लिए, और ये सारे स्क्रूज हैं। चलिए अब इसे सेट करते हैं। इसे सेट करने के लिए इस तरीके का लंबा लंबा आपको स्क्रू मिलेगा। चलिए मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें आप सीरियल नंबर देख लीजिए और यहां से सील पैक आता है। ये देख सकते हो इस तरीके से भी यहां पर सील आता है, इसे भी कट करते हैं। मदरबोर्ड का लुक आप देख सकते हो किस तरीके से आपका लुक दिखता है, और सेम सीरियल नंबर आपको जो मदरबोर्ड के बॉक्स पर दिखाया था सेम सीरियल नंबर आपको मदरबोर्ड पे भी लगकर मिलता है। चलिए अब इसमें i7 का 12 जनरेशन का K सीरीज का प्रोसेसर लगाते हैं। ये दोनों साइड से सील है, अब इसका सील कट करते हैं। इसमें आपको फैन नहीं मिलता है, ये चीज का आप ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से लोग सोचते रहेंगे कि इसमें फैन आता है तो हम लगा लेंगे, जिसका बजट अगर लिक्विड कूलर का ना हो या कोई भी फैन का।
आपको बाहर से फैन लेना होगा और ये इस तरीके से प्रोसेसर आता है, ये आप देख सकते हो। अब इसको निकाल के आपको बाहर दिखाते हैं, ये प्रोसेसर का आप लुक देख लीजिए, बहुत ही प्यार से रखना है और इस तरीके से आपको दबा देना है और ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। चलिए अब इसमें रैम लगाते हैं, 16 GB का 2 स्ट्रिप जो 3200 MHz का हम यूज कर रहे हैं। दोनों साइड से सील आती है, दोनों की सील कट करते हैं। इसका लुक आप देख सकते हो किस तरीके से इसका लुक दिख रहा है। ये हमारी रैम स्ट्रिप लग चुकी है। अब चलिए अब इसमें SSD लगाते हैं, NVMe वाला जो पैक पीस है। कैबिनेट को लाने से पहले हम पावर सप्लाई का लुक देख लेते हैं, किस तरीके से इसका लुक दिखता है। और ये इस पावर सप्लाई का सीरियल नंबर है, इस तरीके से आपको लंबे केबल मिल जाते हैं, चाहे आप किसी तरीके से फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो। चलिए अब इसे कैबिनेट में सेट करते हैं। तरीके के सारे स्क्रू अच्छे से लगा लेना है ताकि आपका एयर कूलर हिले ना। अब इसे सेट करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस तरीके के आपको 4 स्क्रू मिलेंगे, इस तरीके से चारों साइड रख लेना है और इसे इस तरीके से टाइट कर लेना है। ये इस तरीके से सील आता है, ठीक है, इसे खोलना है। ग्राफिक कार्ड लगाते हैं और इसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरीके से भी इस पर सील आता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पोर्ट देख सकते हो, इसमें 2 आपको HDMI पोर्ट मिल जाते हैं और 2 DP पोर्ट। आपको स्क्रू लगा लेना है ताकि आपका ग्राफिक कार्ड हिले ना। देख सकते हो दोस्तों, हमारा CPU पूरी तरीके से बिल्ड हो चुका है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देते हैं कि हमने सही में आप i7 का 12th generation K सीरीज यूज किया है, 32 GB रैम है, ठीक है। आपको परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा CPU का परफॉर्म कर रहा है। पार्टीशन भी दिखा देते हैं कि पार्टीशन किस तरीके से हमने पार्टीशन किया, 4 TB का एक सिंगल ड्राइव रखा है और 512 का भी सिंगल ड्राइव कर दिया है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेटअप के साथ में।